तो टेन 10 से हंड्रेड 100 से या थाउजेंड से जब भी आप डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हो बहुत ही आसान उसका फिनोमिना होता है अगर हम यहाँ पर देखें फॉर एग्जाम्पल आपको एक डेसिमल फिगर दिया गया है इसको मल्टीप्लाई करना है से इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? एक डेसिमल प्लेस है क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है आप जब इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करोगे आपको सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट करना है उतनी दफा जितने जीरो से आप मल्टीप्लाई करे हो। थाउजेंड में कितने जीरो हैं तीन तो आप थ्री पॉइंट सेवन के डेसिमल को तीन दफा मूव करेंगे एक दफा दो दफा और तीन दफा डेसिमल यहाँ पर अब तीन डिजिट्स के बाद आएगा दरमियान में दो जगह जो खाली हैं, वहां पे आप क्या कर सकते हो आप जीरो पुट इन कर देते हो सो वी हैव थर्टी सेवन डेसिमल एक दफा मूव की दूसरी दफा मूव की तीसरी दफा मूव की यहाँ आ गई जीरो एंड जीरो तो आपका जवाब है थर्टी सेवन हंड्रेड और डेसिमल यहाँ है उसके एंड में आप जीरो डालना चाहो डाल दो अगर आप दोनों फिगर्स एंड वाले नहीं भी डालना चाहते डेसिमल और जीरो तो भी आपका आंसर दोनों सूरतों में एक ही है दैट इज इसी की अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें ट्वेंटी डेसिमल को दो दफा राइट की तरफ मूव करना है एक दफा मूव करेंगे तो फोर के बाद आएगी दूसरी दफा मूव करेंगे तो टू के बाद आएगी तो हमारा नया आंसर है टू वन फोर टू और डेसिमल यहाँ आ गई जीरो उसके बाद लगा दिया आंसर इज ट्वेंटी वन फोर टू पॉइंट जीरो सो टू थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी टू जो है आप उसको डेसिमल और जीरो के साथ लिखना चाहते हो उसके बगैर लिखना चाहते हो दैट इज अप टू लेकिन अभी के लिए अगर आप डेसिमल के साथ लिखोगे आपके लिए ज्यादा आसान होगा डिजन में इसका उल्टा इस तरह से करना है कि यहाँ पर हमने राइट right को रिमूव की है डेसिमल डिविजन में हम लेफ्ट को मूव करेंगे पीछे लेकर जाएंगे तो अगर 48,000 को 100 से डिवाइड किया है दो zeros, तो डेसिमल दो दफा पीछे जाएगी अब डेसिमल है ही नहीं यहाँ पे जब डेसिमल नहीं है उसको हम एंड पे प्लेस कर देंगे और फिर उसको मूव करेंगे तो एक दफा मूव किया दूसरी दफा मूव किया यहाँ अब डेसिमल आ गई कितने डिजिट्स के बाद तीन डिजिट्स के बाद तो हमारा आंसर है 480.00 अब यहाँ पर एंड वाले जीरोस ऐसे हैं जिनकी वैल्यू नहीं होती अगेन लेकिन अगर आप इनको डाल लेते हो आपके लिए ज्यादा आसान होगा अंडरस्टैंड करना कि क्या हो रहा है लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन 8.3 डिवाइड बाय थाउजेंड कितने जीरोस हैं 1 2 3 डेसिमल कितनी दफा लेफ्ट को मूव होगी तीन दफा तो एक दफा दो दफा और तीन दफा यहाँ डेसिमल आ गई ये जो दो खाली जगह है यहाँ पे हम जीरो कर देंगे तो हमारा जवाब क्या बनेगा पॉइंट जीरो जीरो एट थ्री और इससे पहले भी जीरो हम डाल सकते हैं कंफ्यूजन को कम करने के लिए तो ये आपका आंसर हो गया बाय डिवाइडिंग फ्रॉम थाउजेंड तो हंड्रेड और टेन से जब भी आप मल्टीप्लायर डिवाइड करते हो आपकी डेसिमल मूव करती है इनको हम जब एक्सरसाइज में करेंगे फोर बी में तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा अंडरस्टैंड करना अगली चीज हम देखते हैं कि अगर डेसिमल्स को डेसिमल वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए आपने काउंट करना है कि लेफ्ट से कितने डेसिमल प्लेसेस जो है मूव हुए हैं एक दो इधर और एक दो इधर टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस हो गए फोर अब फोर डेसिमल प्लेसेस को आपने याद रखना है फोर बेशक हम यहाँ लिख लेते हैं और आपने अब बाकी सबको नॉर्मल नंबर की तरह मल्टीप्लाई करना है होल नंबर की तरह पहले आप इसको सॉल्व करना शुरू करें सिक्स इंटू सेवन इज फोर्टी टू फोर कैरी सिक्स इंटू वन इज सिक्स प्लस फोर टेन वन कैरी सिक्स इंटू फाइव इज थर्टी प्लस वन थर्टी वन थ्री कैरी सिक्स इंटू वन इज सिक्स प्लस थ्री नाइन तो आपका सिक्स से साइड डिजिट जो है वो इस तरह मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गए उसके बाद आपको पता है कि अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ एक क्रॉस डाल देंगे अब हमने दो और क्रॉसेस डालने वन एंड टू फोर इंटू सेवन ट्वेंटी एट टू कैरी फोर इंटू वन फोर प्लस टू 6, 4 into 5, 20, 0 यहां आ गया, तो so ये हो गए आपके सारे नंबर मल्टीप्लीकेशन अब आपने इनको एड करना है टू प्लस जीरो प्लस जीरो इज टू जीरो प्लस सेवन इज सेवन वन प्लस एट इज टेन वन कैरी सिक्स प्लस सिक्स इज ट्वेल्व प्लस नाइन इज ट्वेंटी वन टू कैरी टू प्लस वन इज थ्री एंड सिक्स तो आपका जवाब है 6, 3, 1, 0, 7, अब इसमें इसमें हमें हमें करना क्या है इसमें हमें याद करना है कि डेसिमल कितनी प्लेसेस हमने मूव की थी फोर हमने काउंट किया था कि टोटल फोर डेसिमल प्लेसेस हैं तो आप फोर दफा डेसिमल को यहाँ से मूव करेंगे वन टू थ्री फोर फोर डिजिट्स के बाद अपनी डेसिमल डालेंगे आपका जवाब होगा 63.1072 एंड इस तरह से आप अपने आंसर को लिखेंगे तो हमने क्या किया है पहले हमने डेसिमल प्लेसेस काउंट की है फिर रेगुलर नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई किया है और एंड में उतनी डेसिमल प्लेसेस हमने यहां पर मूव करके अपना आंसर दे दिया है अब चल के डिविजन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिविजन की एग्जाम्पल पर प्रोसीड करने से पहले अगर एक और मल्टीप्लीकेशन की एग्जाम्पल देखें यहाँ पर आपको दिया गया है जीरो पॉइंट से कर सकते हैं कि हम उनको डिवाइड कर उन साथ पॉइंट वन सेवन टू के कितने डेसिमल प्लेसेस हैं तीन तो तीन जीरो वाला कौन सा नंबर है थाउजेंड तो हम उसको डेसिमल से गायब कर दें और उसको थाउजेंड से डिवाइड कर दें तो वो इक्वल बन जाएगा टू दिस फिगर तो so, 172 ओवर 1000 और 0.172 एक ही चीज है उसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.6 से 3.6 के कितने डेसिमल प्लेसेस हैं वन और उसका वन जो है वन जीरो आता है टेन में तो उसको हमने थर्टी सिक्स डेसिमल खत्म करके थर्टी सिक्स ओवर टेन लिख दिया इस तरह से आप डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो काउंट करने से कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं और इतने जीरोस के ऊपर प्लेस करके अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया है ये दूसरा तरीका है मल्टीप्लीकेशन का जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल की है आप उस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं काउंट करें लेकिन बस ये एक दूसरी ऑप्शन है कि आप ये तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं अब इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे one, It, आपका आपका आंसर आंसर आएगा आएगा को को से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो तो आपने नीचे लिख दिया दोनों को करके तो आपका क्या है ओवर अब इसको आप फिर से डेसिमल प्लेसेस काउंट करें वन टू थ्री फोर जीरो डिविजन हो रही है डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करें यहाँ डेसिमल प्लेस हुई थ्री यहां आ गई तो सिक्स से पहले डेसिमल उससे पहले जीरो और ये आपका जवाब आ गया फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन तो ये है एक दूसरा तरीका मल्टीप्लाई करने का अब देखते हैं डिविजन किस तरह से हो सकती है फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जा रहा है जीरो पॉइंट सेवन टू डिड कितने डेसिमल प्लेसेस हैं टू आप इसको इजिली हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो जो है है वो वो होगा होगा क्योंकि दो राइट को चली चली जाएगी 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 के बाद आ जाएगी। इसी तरह .6 into 10 में 6 जो है वो 10 से जब होगा, ये decimal आगे चली जाएगी और 60 आपके पास आ जाएगा अब आप इसको रेगुलर नंबर की तरह डिवाइड कर सकते हो दोनों ट्वेल्व से डिवाइड होंगे 72 आपका आंसर है और इस तरीके से आपने इस सम को भी डिवाइड करके सॉल्व कर लिया इसको आप फर्दर अगर डिफरेंट फॉर्म में लिखना चाहते हो आप सिंपली इसको लिख सकते हो वन होल ओवर फाइव या इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग इट ऑल टुगेदर एक और तरीका है डिवाइड करने का उसको भी चल के देख लेते हैं वी हैव अनदर वे ऑफ डिवाइडिंग ओवर हियर फर्स्ट केने आपको बना दिया है 35.275 डिवाइडेड बाय 2.5 अब 2.5 से डिवाइड करना बहुत मुश्किल है क्योंकि डेसिमल को ही आप डेसिमल से डिवाइड कर रहे हो आप 2.5 को होल नंबर बना दें 2.5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करती हूं तो वो होल नंबर बन जाता है 10 से अगर 2.5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूं डेसिमल जो है एक दफा राइट को चली जाती है

अब मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ इस तरह से रेगुलर डिवीजन मेथड से तो आप अगर देख रहे हैं 25 बाहर है 352.75 अंदर है सबसे पहले 25 1 25 आ गया मेरे पास उसको जब मैंने माइनस किया 5 5 0 3 2 1 तो 10 आ गया फिर मैं 2 को नीचे ले गई एंड इन दिस वे यहाँ पर 102 आ गया द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन डू ओवर हियर इज कि मैं अपना एंड देन से 100 को को माइनस करूं 2 -0, 2, 10 -10 is 0, तो 2 आ गया और फिर मैं 7 को नीचे ले जाऊं लेकिन अब बात यह है कि सेवन से पहले डेसिमल है तो ऊपर भी मैं डेसिमल प्लेस कर दूंगी डेसिमल वहां आ गई नीचे आ गया ट्वेंटी सेवन अब ट्वेंटी सेवन नहीं आता बट ट्वेंटी तो मैंने 27 के नीचे 25 लिखा और उसको माइनस कर दिया जब मैंने वो माइनस किया है 7 माइनस फाइव टू टू माइनस टू जीरो पास आ गया है 2। ऊपर से ये वाला 5 रह गया, इसको भी नीचे ले 25, 25, ones are 25 और ये है मेरा जवाब 14.11। तो यूं भी आप डिवीजन जो है उसको कर सकते हैं आए आगे चल के कुछ और चीजें भी डिस्कस करें

और यहाँ एक जीरो डाल देती हूँ डेसिमल की वजह से अब फोर के टेबल में थर्टी आते हैं? नहीं लेकिन फोर तो सेवन सकती हूँ इनको माइनस करें थर्टी में से ट्वेंटी एट निकाला तो क्या आएगा टू टू आ गया मेरे पास अब टू के साथ में एक जीरो ऐड कर सकती हूँ ठीक है और उसके बाद फोर फाइव ट्वेंटी तो मेरा जवाब क्या है मेरा जवाब है जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो जो फ्रैक्शन यहाँ पर थ्री बाई फोर की सूरत में लिखा है उसको मैं जीरो पॉइंट सेवन फाइव लिख कर की सूरत में एक्सप्रेस कर सकती हूँ डिवाइड करने के बाद तो फोर फाइव ट्वेंटी नो रिमाइंडर एंड दैट इज इस माई आंसर इसी तरह आगे सिंप्लीफिकेशन हमें कही जा रही है यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑपरेशंस दिए गए हैं

1.04 के दो डेसिमल प्लेसेस हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। 0.2 का एक डेसिमल प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। 1.04 into 100, 0.2 into 10। अब ये 100 से जब मल्टीप्लाई हुआ दो दफा डेसिमल राइट को गई। 104 बन गया। 0.2 10 से जब मल्टीप्लाई हुआ एक दफा डेसिमल आगे गई। 20 बन गया। अब जब मैं इनको डिवाइड करती हूं 104 डिवाइडेड बाय 20 20 फाइव्स आर 100 माइनस किया पीछे फोर रह गया अब 20 की टेबल में फोर नहीं आता तो मैंने डेसिमल डाली नीचे एक जीरो डाला 20 2 40 और मेरा जवाब आ गया 40 तो यू मेरा आंसर है 5.2 इन डेसिमल्स तो ये जो हिस्सा था इसको सॉल्व करके मैंने 5.2 बना दिया अब मैं लिखूंगी 1.6 प्लस फाइव पॉइंट टू इन टू सिक्स अब्टीप्लीकेशन होगी फिर एडिशन इन दोनों को मल्टीप्लाई अब मैं करूंगी मल्टीप्लाई करने के लिए देखें एक डेसिमल प्लेस दूसरा डेसिमल प्लेस दो डेसिमल प्लेसेस मुझे याद रखनी है और इनको अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी थ्री टू आर सिक्स थ्री फाइव आर फिफ्टीन एक्स यहां पर मैंने क्रॉस डाल दिया सिक्स टू आर टाइव थर्टी थर्टी वन सिक्स नीचे आ गया फाइव प्लस टू सेवन वन प्लस कितने डेसिमल प्लेसेस मूव करने हैं टू तो यहां से काउंट करें वन टू जवाब है थर्टी टू पॉइंट सेवन सिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आया इसमें ऐड क्या करना है ऐड हम करेंगे वन पॉइंट सिक्स अब जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो यू कैन सिंपली एड थर्टी 32.76 पॉइंट सेवन सिक्स प्लस इज सिक्स प्लस इज 13 वन कैरी 2 प्लस इज 3 प्लस वन एंड 3 सो योर आंसर इज 34.36 फोर